आदित्य क्लास एग्जाम गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक छोटे से टॉपिक को यूपी ट्रिपल एसएससी पेट में टच किया है और सिलेबस में जब आप देखेंगे तो उसमें पूर्ण संख्या दिया हुआ है। अगर पूर्ण संख्या दिया हुआ है तो याद रखें सभी संख्याओं को इंडिकेट होकर रखा है, यानी कि आपको कौन कौन सी संख्याओं के बारे में जानना होगा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। चार पांच आपकी संख्याएं हैं जिनको अच्छे से हम लोग देखेंगे, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। पूरा हमें नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है, पूरा सेसफल पर जो भी आपका ब्रॉड है वो नहीं देखना है, केवल संख्या को टच करके उसने हट गया यहाँ से। तो याद रखें पांच छह टॉपिक है जिसको हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इसको होल नंबर बोला जाता है। पहले आप जैसे पूर्ण संख्या दिया हुआ है तो पहले इसके बारे में थोड़ा समझ ले। कहा जाता है कि वे संख्याएं, इसका डिफिनेशन हो सकता है कि वे संख्या जो शून्य से शुरू होती है, शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे कंप्लीट नंबर बोलते हैं, या सॉरी कंप्लीट नहीं होल नंबर बोलते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो एग्जांपल में हम रख सकते हैं कि यह संख्या कैसे स्टार्ट होगी। भाई ये संख्या स्टार्ट होगी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो आपने देखा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो शून्य से शुरू होकर, एक से नहीं शुरू होगा। कई बार आपके पूर्ण संख्याओं पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना है, जैसे बोला गया कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, लोग गलती से एक से स्टार्ट कर लेते हैं। याद रखें पूर्ण संख्या स्टार्ट एक से नहीं होता, पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से। तो एक से क्या स्टार्ट होता है, एक से जो स्टार्ट होता है उसका नाम है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या और साथ साथ 0। जब इन दोनों को एक साथ एक फैमिली में रख लेते हैं तो इसका नाम हो जाता है पूर्ण संख्या होल नंबर। तो इस टॉपिक से आपको इसका डिफिनेशन जानना है, सिर्फ डिफिनेशन जानना है। दो तीन बातें ऐसे ही आप ओरल जान लें, लिख के क्या जानना है ऐसे जान लें। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, बहुत कॉमन सेंस है, सब लोग बता सकते हैं, सुनने होगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो अनंत होगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में नहीं पूछता है, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक देखते हैं, क्योंकि एकदम सिस्टम से आते हैं हम लोग। सिस्टम से जब हम आएंगे तो पहला हमारा टॉपिक होगा जिसका नाम होगा प्राकृतिक संख्या। यहां से ये सिस्टमेटिक पढ़ाते हैं कि प्राकृतिक संख्या एग्जाम्पल से समझ लेंगे। कहा जाता है कि वे संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हो उससे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमारा होगा क्या, तो होगा 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। कई लोग इसके डिफिनेशन ऐसे भी देते हैं कि वे संख्या जिनका प्रयोग हम संख्याओं को या किसी चीज को गिनने में प्रयोग करते हैं वह प्राकृतिक संख्या कही जाती है। वास्तव में हम किसी भी चीज को काउंटिंग जब करते हैं तो 1 से ही स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, इसलिए इसको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, क्योंकि यह संख्या प्रकृति में पाई गई। प्रकृति में जब हम लोग एंट्री करते हैं तो कोई भी संख्या काउंटिंग करते हैं, यानी कि काउंटिंग वाले जितने भी नंबर होते हैं सब आपकी प्राकृतिक संख्या कही जाती है। ऐसे डिफिनेशन तमाम हो सकता है, जब इसमें एंट्री करेंगे तो याद रखें। अब छोटे छोटे कुछ पॉइंट है उसको नोट करते चलें। पहला पॉइंट है तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव छह से विभाजित होता है। बिल्कुल छह से विभाजित होता है। अब सब लोग के माइंड में एक छोटा सा प्रश्न ये उठ रहा होगा कि 6 आ कहां से गया। तो मैंने डायरेक्ट यहां पे 6 लिख दिया कि तीन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव
छह से विभाजित होता है तो छह भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कई लोग के माइंड में चल रहा होगा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, छह ही होगा। अब क्यों छह होगा, इसके पीछे आप इसका एक्सप्लेनेशन देखें। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या जब बोला है तो आप स्टार्टिंग के तीन प्राकृतिक संख्याओं को ले लीजिए, और इसके बाद बोला है गुणनफल, गुणा कर दीजिए, गुणा करते ही आप छह मिल जाएगा, इसलिए छह यहां पर आएगा। अब यहां पर आप ये भी लगा सकते हैं कि अगर पांच क्रमागत कहता तो आप लगाते 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 120 आंसर आता। क्वेश्चन इनके बेस पे लगा देता हूं, क्वेश्चन आपसे पूछ ले, चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल गुणनफल सदैव किससे विभाजित होगा, सदैव किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, यहां पर देखें ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन आपके सामने है 8, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन हो गया आपका 4, और चौथा ऑप्शन हो गया उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। कॉमन सेंस लगाए फिर इसके क्वेश्चन का आंसर दें। तो बोला आपसे ये गया है कि चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव किससे विभाजित होगा, किससे कटेगा। तो जैसे ही आपके सामने चार क्रमागत प्राकृतिक संख्या बोल दिया, हमने चार संख्या ले लेना है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, और इस प्रकार से आप जब देखेंगे तो 24 मिल जाएगा, 4 3 12, 12 2 24, 1 24। अब बताइए ये 24 किससे किससे कट रहा है, तो 24 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, और 4 से भी कट रहा है, मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। तो याद रखें कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएंगे तो आपने अगर 24 निकाल लिया तो ऑप्शन में कभी 24 नहीं देता है, आपके ऑप्शन में वो सारे नंबर होंगे जो 24 को डिविजिबल करते हैं, मतलब अगर कोई संख्या 24 से कट जाए तो आपको बिल्कुल ये जान लेना है कि अब 24 को जो जो संख्या काटेगी उससे भी वो संख्या कटेगा। जैसे 48, 48 48 अगर 24 से कट रहा है तो 48 देखिए किससे किससे कटेगा, 24 को 6 भी काटेगा मतलब 48 6 से भी कटेगा। तो सिंपल आपको यही समझना है कि अगर कोई संख्या किसी को डिविजिबल करता है तो जो जो संख्या उस संख्या को काटेगा वो सभी संख्या जिससे कटता है उन सबको काटेगा। तो आपके सामने उपरोक्त सभी वाला आंसर होगा। इसके बाद याद रखें कि अगला जो हमारा पॉइंट होता है उसको भी नोट करेंगे, होता है कि पॉइंट नोट नहीं करना है, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ लेते हैं। देखें क्वेश्चन के माध्यम से देखें, यहां पे दे दे दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव बराबर होगा, या सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। अब किसके होता है, ऑप्शन में देखें, यहां पर हो जाएगा दोनों संख्याओं के गुणनफल, अगर सही हो तो आप इसको टिक कर सकते हैं। बी वाला ऑप्शन है दोनों संख्याओं के योगफल। तीसरा ऑप्शन आपका बन जाएगा दोनों संख्याओं का अंतर। डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपके सामने चार ऑप्शन है, ध्यान से देखें। बोला है गया कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर किसके बराबर होगा। जैसे क्रमागत अगर प्राकृतिक संख्या लिया गया है
बोल रहा है वर्गों का अंतर किसके बराबर होगा, तो याद रखें इसका आंसर हमेशा योगफल के बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है, समझ में आ रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लें कैसे इसको हल करना है। अगर आपने दो संख्या ले लिया, जैसे 9 ले लिया और 10 ले लिया, तो इसका वर्ग कर दीजिए, वर्ग करेंगे तो एक मिलेगा 81 और एक का वर्ग मिलेगा 100। इसके बाद इन दोनों के बीच का हमें अंतर लेना है, जैसे इसका अंतर लेंगे तो चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। 100 में से 81 घटाइए तो मिलेगा 19, और 19 आप देखेंगे जो संख्या आपने लिया था उन दोनों के योगफल के बराबर हो गया, इसलिए दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होगा, याद रखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल, इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होता है n, n प्लस 1/2। इसके बाद अगला फार्मूला, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल, इसका होगा फॉर्मूला n, n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, सब रटना है। इसके बाद अगला फार्मूला होगा प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल, इसके लिए फॉर्मूला होगा n, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद एक और फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, यदि यदि प्राकृतिक संख्याएं, यदि प्राकृतिक संख्याएं बीच में से दी गई हो, बीच में से दी गई हो, दी गई हो, तो योगफल बराबर, योगफल बराबर होगा, देखिए कैसे होगा, योगफल बराबर होगा आपका l प्लस a, फिर l माइनस बी और बाई टू। तो ये आपके सामने कुछ फार्मूले हैं जिसको नोट करना है। अब इन थोड़े फार्मूले में आते हैं, थोड़े से फार्मूले में, इसमें n जो होगा अंतिम संख्या होगा, और इसमें ए वाला जो फार्मूला है इसमें याद रखिएगा, जो लास्ट वाला फार्मूला है l जो होगा ये हमेशा अंतिम संख्या को दर्शाएगा, ये होगा ये प्रथम संख्या को दर्शाएगा, और इसमें जो b होगा वो प्रथम के तुरंत पहले की संख्या को दर्शाएगा, यानी कि प्रथम के तुरंत पहले की संख्या, तुरंत पहले की संख्या को दर्शाएगा। तो इतनी बातें समझना है। अब इसके बाद जब ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन में दे रहा हूं उसको आप लोग समझिए। क्वेश्चन अगर आपके सामने पूछ दे कि 60 से लेकर 160 तक सभी 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 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा, क्या होगा, तो समझते हैं क्या होगा, ध्यान से देखें। अगर आपके सामने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका मतलब यही हुआ कि जब आप बढ़ेंगे आगे तो 60 से लेकर 160 तक, और इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं को लेना है वह भी सभी, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब यही हो गया कि 60 प्लस 61 प्लस 62 प्लस
डॉट 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 डॉट, इसके बाद हमारा जाएगा 150 तक। तो याद रखें, 150 यल हो गया, 60 आपका ए हो गया, इसके तुरंत पहले की संख्या 59 है, मतलब ये आपका बी हो गया। तो मैंने कहा था कि जब कोई प्राकृतिक संख्या बीच में से दी गई हो, इसके लिए फार्मूला होता है यल प्लस ए, फिर एल माइनस बी, आप पूरे का बटा दो। जब आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 160 है, सॉरी 100, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, तो 160 ले लें, यहाँ पे 160 लेना है, चलेंगे 160 प्लस 60 होगा, फिर यहां पर होगा 160 माइनस 59, अब पूरे का बटा हो जाएगा दो। 160 में जब 60 जोड़ेंगे तो होगा 220 अगुड़े, यहां से घटाएंगे तो 101 हो जाएगा, दो से जब आप इसको आप कट करोगे तो आएगा 110, तो 110 गुड़े 101 जीरो, 11 कम 11 11 कम 11, इस प्रकार से आप देखेंगे इसका आंसर आएगा 1110 आएगा आपका 1110, देख लीजिए गुणा करके 11 कम 11 11 कम 11, सही है। क्वेश्चन और देते हैं इस पर, याद रखें क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ ले 75 से 74 और 201 के बीच, 201 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, या योगफल बताइए। तो देखिए इसको हल कैसे करना है, जब आप इस प्रश्न को हल करने चलेंगे तो ध्यान से समझिएगा, 74 से 100-200 तक लेके जाना है, तो बीच बोला है ना, इसका मतलब हो गया कि 75 से शुरू करना है, मतलब 75 प्लस 76 प्लस 77, और ये आपका जाएगा कहां तक भाई, तो जाएगा 200 तक, तो 200 हो गया अंतिम संख्या, 75 हो गया प्रथम संख्या, और इसके पहले जो 74 है वो प्रथम के तुरंत पहले की संख्या हो गया, और इसके एडिंग का जो भी इसका एडिंग होगा, इसका फार्मूला कहता है प्रथम में पहले को जोड़ दो, प्रथम में से पहले को तुरंत पहले को घटा के 2 से डिवाइड कर दो, तो 200 में हमें क्या करना है कि 75 को जोड़ देना है, 200 में से हमें 74 को माइनस कर लेना है और बटा 2 कर देना है, इस प्रकार से आएगा 275 गुड़े, अब घटाएंगे इसमें से तो आएगा 126, 126 बटा 2, 2 से काटोगे तो आ जाएगा 62, मतलब 275 गुड़े 62 जो आएगा हमारा आंसर होगा, 63, 2 6 12, 2 3 6, यहां पर भी हमारा 63 ही होगा, यहाँ पे 63 हो जाएगा, गुणा कर लीजिए आंसर आ जाएगा, तो यानी कि 275 गुणे 63, तो 3 5 15, 7 3 21 22, 3 2 6 2 8, 6 5 30, 42 5 45, 18 यानी 12 12 12 4 16, तो आएगा 5 2 3 और यहाँ पे 7, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आएगा 17,325 और ये हमारा आंसर होगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं है, 74 और 102 75, 200 में 75 जोड़ दो, 200 में से 75 घटा दो, ठीक है, ये आ गया 275, ये आ जाएगा 126, ठीक है, काटेंगे 63 और गुणा कर लीजिए आंसर होगा। तो फिर ये आपका जो भी तरीका मैंने सिखाया, इस तरीके से कोई भी संख्या बीच में दिया गया हो प्राकृतिक संख्या, उसको आप हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नए सेशन में, जय हिंद जय भारत।